कर रहा है, सम्राट चौधरी उसके बाप को पैदा किए थे लालू यादव, उसके बाप को पैदा किए तो सोचिए लालू यादव को क्या हुआ। भक्त न फहराए इसलिए ऐसे नफरत की राजनीति न करे, काम की राजनीति करे, इसलिए सड़क से लेके सदन तक हम लोग आवाज उठाएंगे मिलजुल के इंडिया गठबंधन एक होकर। अपराधियों का नेता लालू यादव है तो उसको तो उसी अपराधी के द्वारा पैदा किया हुआ सकनी चौधरी का बेटा है वो, तो उसका बाप को क्या अपना नाम दे रहा है, जो अपने बाप का नहीं हुआ अपने बाप को गाली दे रहा है, समझ गए ना। पीयूष जी कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है लेकिन हर तरफ लूट हत्या बलात्कार एकदम जारी है। बाहर फेकुआ पलटू की सरकार नहीं चलेगी, 25 में पूरी जनता बिहार की उन्हें कबार के यहाँ से फेंकने के लिए कमर कस ली है। देखिए बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष सरकार को घेर रही है और आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। हम अभी सासाराम में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष के पास जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है और लगातार विपक्ष सरकार को बढ़ते अपराध पर बढ़ते क्राइम पर घेर रही है। क्या कहिएगा आप लोग, प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, क्या कारण है? साफ शब्दों में हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ा हुआ है इससे बहुत दुखित जनता है। अभी देखिए क्या हालात हुआ, अभी चंद दिनों के पहले वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी की निर्मम हत्या कर दी गई। अभी तक किसी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इससे बिहार के जनता बहुत दुखित है। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि अभी पुल बन रहा है, दो दिन के बाद वो भस जा रहा है, कितनी दुख की बात है भाई। अभी मैंने पूरे बिहार की बात बता रहे हैं, तो इतना अराजकता फैल चुका है खास करके इस सरकार में और अपराधी जो है बेलगाम हो चुका है और जनता सोच रही है कि सुकून के साथ हम जिए, चैन सुकून के साथ एकता के साथ हम जिए। लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है लेकिन हर तरफ लूट हत्या बलात्कार एकदम जारी है। अगर बात की जाए रोहतास जिला के बारे में ही तो लगातार मर्डर की घटना सामने आ रही है, बेटियों के साथ बलात्कार का मामला सामने आ रहा है, क्या कहिएगा? अभी बहुत दुख की बात है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, सरकार कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। विक्रमगंज में भी ताजा घटना आपको देखने को मिला होगा, दो मर्डर, तो इससे तो भाई दुख की बात है। आज जरूरत पड़ा ना प्रतिरोध मार्च निकालने का, इसका ही नहीं है भाई, तो हम लोग तो एक बात बताइए, जिस तरीके से विपक्ष जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि आप लोग जो प्रतिरोध मार्च निकाले हैं वो एक ढकोसला है, क्या कहिएगा? ढकोसला? जब जनता की आवाज उठाना ढकोसला है तो उनका गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2025 में ये नीतीश कुमार गद्दी से जा रहे हैं और जिस तरह गांव में पागल कुत्ता हो जाते हैं, सारे लोग मिल के इकट्ठे होके भगाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे बिहार में गिरा हुआ और जितना कहा जाए उतना गिरा हुआ इंसान है जो बैठे हैं, गद्दी कुमार कुर्सी कुमार नीतीश जी, इनको 25 में हटाने का काम करेंगे और एक केंद्र में जो बैसाखी की सरकार चल रही है वो भी तुरंत हटेगी, ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह नफरत की राजनीति कर रहे हैं, अभी यूपी में देखे कि ऐसा निकाल दिए कि भाई दुकान पर गरीब के दुकान पर लिखना है कि मुस्लिम की दुकान है कि हिंदू की दुकान है। अरे भाई तुम इतना जब कर रहे हो तो लिखवा दो पेट्रोल आता है मुस्लिम देश से, वो अंधभक्त न फहराए, इसलिए ऐसे नफरत की राजनीति न करे, काम की राजनीति करे, इसलिए सड़क से लेके सदन तक हम लोग आवाज उठाएंगे मिलजुल के इंडिया गठबंधन एक होकर। इनका साफ तरीके से कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज उठाएंगे और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव नजदीक है उसके बाद लगातार प्रतिरोध मार्च निकल रहा है, कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में ये असर जरूर दिखाएगा, क्या कहिएगा? प्रतिरोध मार्च आप लोग निकाले हैं? प्रतिरोध मार्च हम लोग आज कुछ दुख के कारण निकाले हुए हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं कि एनडीए के लोग महागठबंधन के लोगों को देखकर इन लोगों ने इतना डरे हुए हैं कि ये लोग गलत काम उठाने का काम अब शुरू कर दिए हैं। जैसे आपने देखे बिहार के अंदर हमारे मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या करी गई, आप जो है हमारे इंडिया गठबंधन के लोग सारे जो है खौफ फैलाने का काम कर रहे हैं और महागठबंधन को देखना नहीं चाह रहे हैं। मगर साथियों सुन लीजिए, हम इंडिया गठबंधन के लोगों से कहना चाहते हैं, कितना हूँ आप लोग हम लोगों को छेड़छाड़ करने का काम कीजिएगा और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के
राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी और जितने हमारे महागठबंधन के पार्टी दल के सीनियर नेता है, हम लोग एकजुट होकर कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करेंगे और लड़ते रहेंगे। तो जिस तरीके से अभी बिहार में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर में घुसकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, उसके बाद लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है, क्या कहिएगा? आरजेडी से आप हैं, विपक्ष लगातार आरजेडी पर सवाल खड़े करता है कि जंगल राज की सरकार थी लालू यादव के राज में, क्या कहिए? कौन खड़ा कर रहा है? सम्राट चौधरी उसके बाप को पैदा किए थे लालू यादव, उसके बाप को पैदा किए तो सोचिए लालू यादव को क्या हुआ, उसका कोई अस्तित्व है? लालू यादव के सामने उसका कोई अस्तित्व है? उसका उसको बाप को पैदा किया है वो शकुनी चौधरी का बेटा। सम्राट चौधरी का एक हाल में बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अपराधियों का नेता लालू यादव है। अपराधियों का नेता लालू यादव है तो उसको तो उसी अपराधी के द्वारा पैदा किया हुआ शकुनी चौधरी का बेटा है वो, तो उसका बाप को क्या अपना नाम दे रहा है? जो अपने बाप का नहीं हुआ अपने बाप को गाली दे रहा है, समझ गए ना? शकुनी चौधरी वही अपराधी का नेता, उसके बाप को पैदा किया है, तो शकुनी चौधरी किसका बेटा है? शकुनी चौधरी का बेटा है सम्राट चौधरी, अपने आप को किसका क्या कहेगा, समझ रहे हैं? आप लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। दूसरी बात कहता है कि लालू यादव के समय की जंगल राज, रोज विरोध रेप लड़कियों को हो रहा है, घटना पे घटना होता है, ठाए ठाए गोली चल रही है, विपक्ष के मुकेश सहनी सन्न पहला के पिताजी को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमें पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी से, वो जवाब दे, जंगल राज कहता है इसको, महाजंगल राज की महाजंगल राज का उपाधि दिया जाए, क्या दिया जाए? लगातार रोहतास में भी मर्डर का घटना सामने आ रहा है, दिन प्रतिदिन लगातार मर्डर के घटना सामने आ रहा है, क्या कहिएगा इस पर? रोहतास ही नहीं, पूरे बिहार बोलिए, पूरा बिहार बोलिए। और सम्राट चौधरी को मैं बता देना चाहता हूँ और चेता देना चाहता हूँ कि बोलने से पहले सोच ले। कहता है अपराध जंगल राज, अरे शर्म नहीं आती है तुमको बेसर में? वहीं से तुम पैदा होकर आए हो, तुम्हारे बाप शकुनी चौधरी को लालू यादव ने पैदा किया, उसी बाप को तुम पैदाइश हो। अगर लालू यादव को गलत बोल रहे हो तो साला अपने आप को गलत बोलो, शकुनी चौधरी को बोल रहे हो। सम्राट चौधरी तो खुलेआम कह रहे थे कि अपराधियों के नेता लालू यादव है। तो अपराधियों के नेता लालू यादव है तो शकुनी चौधरी को पैदा लालू यादव ही ने किया है, तो वो क्या है? क्या कहिएगा जिस तरीके से सम्राट चौधरी का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अपराधियों के नेता लालू यादव है। अपराधी के उनके अपराधी लालू यादव उनके माई बहन। इस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा है था कि अपराधियों के नेता का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है तो वो लालू यादव है। इसके बाद लगातार बिहार के इतनी तेज गर्मी में भी सियासत का टेम्परेचर हाई है, क्या कहिएगा? अभी देखिए भैया सम्राट चौधरी का अभी पगड़ी उतरल बा, बहुत जल्दी पैंट उतरने वाला, पैंट उतरी पैंट। सम्राट चौधरी जेकर पैदाइश बड़न शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी सिखलाएंगे महिलाएं सारी तराई में सबके साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों महिलाओं पिछड़ो प्रतिदिन पूरा बिहार में बलात्कार की घटना हो रही है, मर्डर हो रहा है प्रतिदिन देखिए। अब बोलते हैं कि सत्ता में कौन है, सवाल किससे होना चाहिए? सत्ता में नीतीश कुमार है, सत्ता में पलटू है और फेकुआ पलटू की सरकार नहीं चलेगी। 25 में पूरी जनता बिहार की उन्हें कबार के यहाँ से फेंकने के लिए कमर कस ली है। तो याद रहे नीतीश कुमार और मोदी दोनों को यहाँ की जनता कबार के फेंकने वाली है। कहा कि यहाँ पे महाजंगल राज हो गया, बिहार में महाजंगल राज नहीं चलेगा अब। और सारे युवा राजद के जितने भी कार्यकर्ता जनता है, पूरी जनता बिहार की युवा राजद और राजद फैमिली के साथ है, महागठबंधन के साथ है। मुकेश सहनी जी के पिताजी के बाद निर्मम हत्या हो जाती है जी, जब बताइए कि वीआईपी प्रमुख के पिताजी जब सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ सेफ रहेगा जी? आम जनता त्राईमाम कर रहा है, लोग डर रहे हैं घर से बाहर निकलने में, शाम में सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा चला के मीडिया द्वारा बताया गया कि 2005 से पहले ये हुआ। लालू यादव ने दलितों को पिछड़ों को अल्पसंख्यकों को सबको उन्होंने बैठने के लिए कुर्सी दिया और खाट दिया बैठने के लिए, वो गरीबों के मसीहा लालू यादव, उनको सिर्फ बदनाम किया गया लालू यादव को। समय इनके लगातार नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार, स्लोगन भी फेमस है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। भैया नीतीश कुमार के बारे में आपको हम बता देते हैं कि नीतीश कुमार फिजिकल हैंडीकैप हो गए हैं, उनका दिमागी हालत काम हम कर नहीं रहा है, समझ गए ना? इसलिए उनको अब इलाज की जरूरत है, उनको आप जो है आगरा भेजिए, उनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। क्या कहिएगा? आपके नेता तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। थक गए हैं भाई, गांजा मारता है नगीनिया छाप, जब जब मारेगा उल्टा पुल्टा बयान दे देगा।
उल्टा पुल्टा निर्णय ले लेगा, कभी मंत्री का कपार लड़ा देगा तो कभी अधिकारी का पैर छूलेगा। हमें पूछना चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, एक मंत्री का कपार लड़ाता है, अधिकारी का पैर छूता है, कहाँ का मामला बनता है, क्या है? अपने आप से गिर रहा है कि हमसे ये सरकार नहीं चली, हम थक गए हैं। अपने आप को थके हुए नीतीश जी महसूस कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी का अभी तो पगड़ी उतरा है, बहुत जल्दी पैंट भी उतरने वाला है। और सम्राट चौधरी बड़बड़ जो कर रहे हैं ना, जो बड़बड़ कर रहे हैं, ये बड़बड़ कर रहे हैं तो शकुनी चौधरी को लालू यादव ने राजनीति में पैदा किया, उसी का पैदाइश पैदा किया हुआ, पैदा किए हुए का पैदा किए हुए है सम्राट चौधरी। ये बोलने का भी मौका और पैदा किए और राजनीति में इतना उच्च स्तर तक उप मुख्यमंत्री भी उनको विपक्ष लायक समझा तो पैदा भी करके मार्केट में छोड़े हैं लालू यादव, उनका बाप को पैदा किए थे। और शकुनी चौधरी सोच ले, अभी पगड़ी उतरा है, उसका पैंट भी बहुत जल्दी उतरने वाला है, करने वाला है। लगातार राजद के कार्यकर्ताओं में प्रतिरोध मार्ग देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने निकाला है। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार के राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है? एक भी नहीं। नीतीश के राज में एक भी नहीं, सब हरामी जूताखोर, एक भी नहीं महिलाएं, सब परेशान है। किसी को मिल रहा है महिला? जीविका है, जीविका में खाली नाम है कि जीविका है, क्या मिल रहा है जीविका में? जीविका के पब्लिक के पैसा जीविका खा रहा है। हम अभी सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि बिहार के जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके बाद लगातार बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घेर रही है और आज प्रतिरोध मार्च है। विपक्ष के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए अपने कैमरा पर्सन रोहित तिवारी के साथ मैं लव कुमार, सासाराम।